हेलो प्यारे बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक पुनः स्वागत। दशरथ पाला सर की तरफ से नाइन्थ क्लास सब्जेक्ट साइंस। और लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने दो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करा दिए थे। अब चैप्टर थर्ड है आपका परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, देखिए इसके अंतर्गत हम सीखेंगे रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाना। रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाना, देखिए कोई भी आपका यौगिक बनता है, धातु अधातु दो से मिलकर बनेगा आपका, और इन पर आवेश भी होते हैं या आयनों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी आपका यौगिक है, धातु व अधातु के संयोग से बनेगा, ठीक है। और इन धातु और धातु पर कुछ निश्चित आवेश होते हैं। यदि किसी पर धनावेश है तो धनायन कहलाएगा, और ऋणावेश है तो वो ऋणायन कहलाएगा। तो कुछ आपके परमाणु हैं जिन पर धनावेश होता है, कुछ इन पर ऋणावेश होता है, और जब यौगिकों का निर्माण किया जाता है तो इनको बनाने के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले आपको एक संयोजी, द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी, इन परमाणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिनसे आपके सूत्र बनेंगे आपके, ठीक है। हम बात करते हैं पहले एक संयोजी धनायन। देखिए इसमें आता है एक सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और एक कॉपर। देखिए कॉपर में जो संयोजकता है आपकी एक भी होती है और दो भी होती है। जब इस पर संयोजकता एक होती है तो इसे क्यूप्रिक कहा जाता है। क्यूप्रिक, ये सिल्वर है आपका, इसे आप चांदी कहते हैं, ये पोटेशियम और ये आपका सोडियम। ये संयोजी धनायन है आपके, सोडियम धनायन, पोटेशियम धनायन, सिल्वर धनायन। और कॉपर बताया था आपको मैंने, प्लस वन भी होती है, प्लस दो भी होती है, तो प्लस वन है तो क्या मिलेगी आपकी, क्यूप्रिक। इसके अलावा एक बहु परमाणु धनायन भी होता है आपका। एक परमाणु क्यों कहा कि इनमें सभी में आपके एक परमाणु है, इसे बहु परमाणु क्यों कहा, इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, यानी यह एक से अधिक परमाणु से मिलकर बन रहा है। और जब एक से अधिक परमाणु होते हैं क्या कहलाता है आपका, बहु परमाणु, इसे बोलते हैं अमोनियम धनायन। अमोनियम धनायन, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक लगा लें आप, नाक आग कू नहीं, नाक आग कू नहीं, ना से सोडियम के पोटेशियम, आग सिल्वर, कू क्यूप्रिक, नहीं एनएचएस में नहीं अमोनियम। ये आपका एक संयोजी धनायन हो गया। लेकिन ये कौन सा है आपका, है तो एक संयोजी लेकिन बहु परमाणु है। क्या है आपका, ये बहु परमाणु।
अब देखते हैं आपका द्विसंयोजित आयन, द्वि मीन्स दो, संयोजी मीन्स संयोजकता, इनका जो संयोजकता होगी जिसे बैलेंसी भी कहते हैं अंग्रेजी में, वो दो होती है। बेरियम, मैग्नीशियम, सीए, कैल्शियम, एसआर, स्ट्रॉन्शियम, जेडएन, जिंक, एमएन, मैग्नीज। देखिए एमजी मैग्नीशियम होता है, एमएन क्या होता है तो मैग्नीज। और देखिए कॉपर में यहां प्लस वन थी, तो से हमने क्यू प्रे कहा था, ये प्लस टू है, जैसे क्यू प्लस कहते हैं। एफी आयरन, इसमें प्लस टू भी होती है, प्लस थ्री भी होती है, जब प्लस टू है तो से हम बोलते हैं फेरस। और पीवी लेड, इसे हम सी सारी कहते हैं। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, जिंक, मैग्नीज, क्यूप्रस, फेरस और लेड, ये आपके सारे द्विसंयोजी हैं। इनको याद करने की ट्रिक देख रहे हैं आप लोग, ये लिख देता हूं आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर, जन्म मन कॉफी पीवे, बेटा बेरियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, जन जिंक, मन मैग्नीज, कॉफी क्यूप्रस और फेरस, पीवे लेड। ये ट्रिक्स हैं, इसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक संयोजी अयन हो गया, द्विसंयोजी हो गया, अब बात करते हैं हम लोग त्रि संयोजी अयन की। त्रि संयोजी अयन, इसमें मेल के तीन आते हैं, एमोनियम, क्रोमियम और एफी आयरन। प्लस टू था तो हमने फेरस कहा था, प्लस थ्री है इसे फेरिक कहेंगे, फेरिक, सी आर क्रोमियम और ए आर आपका एल्युमिनियम। ये आपके त्रि संयोजी धनायन है, एल्युमिनियम प्लस थ्री, क्रोमियम प्लस थ्री, एफ ई प्लस थ्री। एफ ई प्लस थ्री है तो हमसे फेरिक कह रहे हैं, प्लस टू था तो हमने फेरस कहा था, ऐसे कॉपर प्लस वन था तो क्यूप्र कहा था, प्लस टू है जैसे क्यूप्रस कह रहे हैं। इसकी भी ट्रिक देख रहे हैं आप लोग, अल सरफी, अल एल्युमिनियम, स क्रोमियम, फी फेरिक, ठीक है। तो आपका ये एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी के बारे में बात की थी हमने। इसी क्रम में हम किसकी बात करेंगे, रेडायन की, क्योंकि आपका कोई भी यौगिक बनेगा धनायन और ऋणायन से बनेगा। अब चाहे वो आपका एक संयोजी हो, चाहे द्विसंयोजी हो या त्रिसंयोजी हो। धन्यवाद।